नमस्कार, हम उपस्थित हैं आज सविता दीवान शर्मा, सुहागपुर विधानसभा पूर्व विधायक, और आज कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है 5 राज्यों में, उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे कि क्या विषय रहा है और क्या परिणाम निकल जो परिणाम निकल के आए हैं वो किस उनके कारण क्या है। जनता ने जो निर्णय लिया है, जनादेश हमेशा से सराखों पर रहता है, जनता जो निर्णय देती है उसको कांग्रेस पार्टी और सभी दल उसको स्वीकार करते हैं, लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। जनादेश दिया जैसे परिणाम है और कांग्रेस की नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब लोगों को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता भी है और देखने की जरूरत भी है कि देश में जो परिस्थितियाँ हैं और कहाँ हम लोग चूक गए हैं, कहाँ हम लोगों तक पहुँच नहीं पाए हैं, कहाँ हमने उनसे अपना कनेक्शन नहीं बनाया है, उस पर आत्मविश्लेषण भी करना समझती हूँ कि पार्टी न केवल दिल्ली स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर जरूर। इस बार जो अन्य राज्यों के जो चुनाव हुए हैं और जो परिणाम आए हैं उसको लेकर आगामी मध्य प्रदेश चुनाव भी करीब है, एक बार कांग्रेस सरकार की जो कांग्रेस सरकार बनी उसके बाद जो भी कारण रहे उसके बाद सरकार गिर भी गई, तो अब भविष्य में किस प्रकार से और क्या कौन सा चेहरा होगा कांग्रेस का और क्या रणनीति होगी। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि 2018 में जनादेश आया प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में, और आप ये भी जानते हैं कि जिस तरीके से खरीद फरोख करके सरकार गिराई गई और भारतीय जनता पार्टी ने जबरिया सरकार बनाई, तो ये तो प्रदेश की जनता भी जानती है कि उसके साथ उसके मत का, उसने जो बहुमत दिया उसका अनादर किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो आक्रोश तो मध्य प्रदेश में जनता के बीच में है, मतदाताओं के बीच में है। जहाँ तक चेहरे की बात है, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ही घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस जो प्रचार प्रसार कर रही है, उसमें कांग्रेस क्या मुद्दे हैं उनके और किन मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अन्य पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे को लेकर प्रचार प्रसार करती है और उनकी योजनाओं की या उनके चेहरे को ही प्रचार करती है, तो कांग्रेस किस प्रकार से रणनीति बना रही है या किस प्रकार से उस मुद्दे को लेकर लोगों के साथ बीच में जा रही है। आज जो परिणाम आए हैं उसको मध्य प्रदेश से तुलना करना मैं समझती हूँ ठीक है। मतलब की जो परिस्थिति रही, जैसे मैंने बताया कि जबरदस्ती से सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग घर चलो घर चलो अभियान चला रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा कार्यकर्ता हमारा साथी घर घर जाए, संपर्क बनाए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण जो जनता को नुकसान देश में जिस स्तर पर महंगाई है, छोटी छोटी खाद्य वस्तुओं के दाम भी लोगों की पहुंच से बाहर हो, महिलाओं को घर चलाना इसके लिए डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और खाद और बीज का बढ़ोतरी है। कि 5 राज्यों में चुनाव हैं और हम अक्सर कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है कि अब चुनाव होगा, महंगाई बढ़ती है और बहुत तेज गति से बढ़ सकती है, इस विषय में बिल्कुल देखिए, ये तो तय था कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद चाहे बहाना कोई भी ले ले सरकार, लेकिन डीजल पेट्रोल के पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी होगी। गैस के दाम को 132 रुपया 3 दिन 4 दिन पहले वैसे ही बढ़ा चुकी है सरकार और हर चीज में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वे लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फिर से रुका हुआ था, ये तय है कि पढ़ेंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कांग्रेस कार्यकर्ता को ये बताने में सफल हो रहे हैं, ये बताने में सफल हो रहे हैं कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो आम लोगों के जो गरीब है जो मध्यम परिवार है उसके हित में, और हम जब वहाँ जा रहे हैं बहुत सघन हमारा प्रचार चल रहा है उसमें लोगों से ये हमको ये रिस्पॉन्स मिलता है कि लोग सरकार की सहमत नहीं, विशेष रूप से महंगाई की, तो वो परिणाम देखने को मिलेंगे आने वाले 2023 के। जैसे कि दीदी आप जा रहे हैं प्रचार, ये लोगों के बीच में जाते हैं, एक मुद्दा सामने निकल के आ रहा है बढ़ रही है जो चुनाव का लाभ नहीं मिल पा रहा है, विषय निकल रहा है, तो आप क्या संदेश दे सकते हैं, क्या विश्वासेंगे कि लोग आपको चुने या कांग्रेस को करें मध्य में कांग्रेस ही पुनः, जैसे क्या मुद्दे होंगे, भाजपा जो महंगाई आ रही वही भी आपके तरफ से नई उम्मीदें जगाई जा रही है। 7 साल आपके जेब में कितना था और आपने 7 साल या 5 साल पहले आपका घर का क्या था, आज आपका बजट जिस आपसे बेहद जरूरतों की बढ़े हैं, हम तो सोचते हैं कि आप कंपेयर की कांग्रेस सरकार की नीतियों में जनता पार्टी की नीतियों में आप निजी जेब पर क्या फर्क पड़ा, कंपेयर करिए
बेरोजगारी बहुत बड़ा है, प्रशिक्षित हो गए हैं लेकिन कहीं नहीं है। पहले वो कहती है सर प्राइवेट में रोजगार मिलेंगे, लेकिन हिसाब से नीतियां हैं जैसा वो हर को सरकारी सरकारी चीज को बेचते जा रहे हैं, जितना निजीकरण हो रहा है उससे तो रोज इन चीजों का कहते हैं पुरानी सरकार और आप तुलना करें और निश्चित पर लोग तुलना करते हैं सहमत हो तो हमारी क्या हम सर्वभारत के लिए सबके लिए कांग्रेस हमेशा सबसे निचले स्थान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए चलती है और हम वही बात ये बात है। भाजपा प्रदेश में राज्य चुनाव हो रहे थे उसमें एक मुद्दा निकाल के भी आया था, उन्हें आंकड़ा दिया गया था करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन वितरित, 50 करोड़ को लगभग हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए। ये आंकड़े भाजपा ने स्वयं अपनी से दिए थे कि इतनी गरीबी, तो ये गरीबी थी या उनकी एक योजना, ये गरीब के आंकड़े थे उनकी योजना। यदि हम इस बड़े से देखें कि 80 करोड़ में 120 में से 80 करोड़ अभी भी ऐसे हैं परिवार जो कि गरीबी नीचे जिनके पास नहीं, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा चुने का विषय है कि हम इतनों से सरकार बुरा पीट रही है कि हमारा प्रगति करना और हम गुरु बनने और हमारा नाम देश में विदेशों में नाम होता है, हम दक्षिण एशिया में से एक स्तंभ बनकर निकल रहे हैं और ऐसे देश में गरीब से नीचे अच्छी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज कंडीशन में मध्य प्रदेश। जब हमने रिसिया पता लोगों ने कि गूगल में या मृत्यु हो पाई संबल योजना की है समय नया मिलना तो उस दौरान अगर की सामग्री होती है 2 लाख रुपए दुर्घटना से 4 रुपए की राशि मिलती है। जब रिसर्च किया तो एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या की कर रहा हूँ, लगभग की ही सुहागपुर सभा की बात करता हूँ तो सुहागपुर विधानसभा ग्राम लेवल पर लगभग 2.5 ऊपर है और नगर पालिका में लगभग 50-60-70 के लगभग इतने लोगों को अभी तक संबल योजना का लाभ नहीं मिला, अर्थात उन लोगों के पैसे नहीं आए। एक बड़ा विषय इसको लेकर काम कर रही है जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीब आपको जब उसकी बार में किसी हो जाती है तो उसे ये बहुत करते हैं परंतु अभी तक नहीं मिली इसका कांग्रेस कदम करेगी। कोविड काल में लाभ आई थी तो उस पर उसको उठाया था मृत्यु प्रमाण पत्र उसको कोविड क्यों नहीं लगी, सरकार ने जब दबाव कहा कि चाहे प्रमाण पत्र पर कोविड स्थिति हो चाहे ना ली परंतु यदि उस समय तो उसको संबंधित लाभ देना चाहिए। ये कौन के दबाव के कारण ही सर ने ये सैकड़ों हजारों में मेरे प्रदेश में ऐसे लाखों लोगों को निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इसके लिए सरकार भी करेगी और शायद आप घर घर अभियान के किताबों से मिलेंगे भी और मैं चाहता हूँ मिलते हैं तो जरूर रिसर्च करें।